तो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर एब्सेस यानी लीवर टिश्यू के अंदर मवाद पश भर जाना। इसी टॉपिक में हम आज कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, लीवर एब्सेस के क्या खतरे हो सकते हैं, लीवर एब्सेस का संकेत और लक्षण क्या हो सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि लीवर एब्सेस हमारे लीवर में हुआ है या नहीं, इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह का नया नया वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लीवर एब्सेस का मतलब क्या है। तो लीवर एब्सेस का मतलब है कि लीवर टिश्यू के अंदर मवाद पश भरना। ये एक प्रकार के लीवर इन्फेक्शन होता है। लीवर में एक या एक से अधिक एब्सेस हो सकते हैं। लीवर में एब्सेस का कारण किसी जीवाणु द्वारा फैलाए जाने वाले इन्फेक्शन होता है। ये बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगल के कारण हो सकता है। दो सबसे आम प्रकार के इन्फेक्शन बैक्टीरिया और पैरासाइट के कारण होते हैं। अब जानेंगे हम कि लीवर एब्सेस का संकेत और इसका लक्षण क्या होता है। लीवर एब्सेस के लक्षणों में सबसे सामान्य है कि पेट के ऊपरी दाहिनी भाग में दर्द होना, बुखार होना, इसके अलावा मितली आना, उल्टी, भूख न लगना, कपकपानी चढ़ना तथा थकान महसूस होना भी लीवर एब्सेस के लक्षणों में प्रमुख है। कभी कभी ये एब्सेस फट जाते हैं और ऐसे में मवाद फेफड़ों, हृदय और पेट आदि में फैल जाता है। ऐसे में उपयुक्त लक्षणों के अलावा मरीज को सांस लेने में कठिनाई, पेट में कहीं भी दर्द की शिकायत होती है और एडवांस स्टेज में मरीज को पेशाब कम आने तथा फ्रैंक सेप्सिस की वजह से अल्टर्ड सेंसोरियम जैसी परेशानी से जूझना पड़ सकता है। अब जानेंगे हम कि लीवर एब्सेस के क्या खतरे हो सकते हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि लीवर एब्सेस में क्या क्या दिक्कतें हुआ है। ज्यादातर अल्कोहल का अधिक सेवन करने वाले लोगों में एब्सेस बनने की आशंका अधिक रहती है। इसके अलावा सुस्त इम्यून सिस्टम और डायबिटीज, एचआईवी या कैंसर के इलाज के लिए केमियोथेरेपी करा रहे लोगों में भी लीवर एब्सेस की आशंका होती है। एमीबिक लीवर एब्सेस का कारण एंटीबेमिमा हिस्टोलामाइट पैरासाइट होता है, जो दूषित जल या खाद्य पदार्थों के सेवन से भी लीवर एब्सेस हो सकते हैं। हम जानेंगे कि लीवर एब्सेस का पता कैसे कर सकते हैं। सामान्य बात है कि जब भी हमारे शरीर में लीवर में कोई भी खतरा होते हैं तो लीवर एब्सेस का निदान करना आसान होता है। लीवर की अल्ट्रासाउंड जांच से एब्सेस का पता चलता है। यदि तब भी संदेह हो तो सीटी स्कैन के मदद से इसका पता लगाकर एब्सेंस होने या ना होने की पुष्टि की जा सकती है। इसके अलावा आप कुछ ब्लड भी टेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि WBC व्हाइट ब्लड काउंट सेल्स करने से भी पता चल सकता है कि हमारे लीवर में लीवर एब्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। अब जानेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो है मेट्रोनिडाजोल 400 mg टैबलेट। मेट्रोनिडाजोल 400 mg टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद एक टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा कुछ गैस की दवा जैसे कि ओमीपराजोल 20 mg, इसको सुबह शाम या सुबह खाली पेट में एक कैप्सूल दिया जा सकता है। अगर लीवर में दर्द हो तो ट्रामाडोल 50 mg दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर ये कुछ ट्रीटमेंट ये मेडिसिन देने के बाद भी अगर आराम ना मिले तो उसको एक टॉक्सिन जैसे कि सेफ्रोफ्लॉक्सासिन 100 ml एक बोतल का IV में देना चाहिए। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल भी इसको दिया जा सकता है IV में। तो दोस्तों आज हमने जाना लीवर एब्सेस यानी लीवर टिश्यू के अंदर मवाद पश भरना के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही दवा के बारे में जानकारी मिले।